तो गाइज ये हमारी हार्ड कोर सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। और गाइज ये सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने भाई के साथ, और इस एपिसोड का टारगेट हमारा होने वाला है आयरन आर्मर बनाना। और गाइज ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइज हमारे साथ बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक सीन हुए होंगे। और गाइज मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ। सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे पेड़ तोड़ता हूँ। गाइज हम बिना पेड़ के कुछ बना ही नहीं सकते ना गाइज। और गाइस पेड़ तोड़ने के बाद गाइस मेरे पे 6 ओकलॉक हो चुकी थी। उसके बाद मैंने गाइस प्लैंक बनाया, और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बनाई। उसके बाद गाइस मैंने क्राफ्टिंग टेबल नीचे रखा, और उसके बाद गाइस मैंने अपने लिए एक वुडन पिकैक्स बनाई, और फिर मैं नीचे डिग डाउन करने लगा, क्योंकि गाइस मुझे थोड़े से कोबलस्टोन चाहिए थे। फिर मैं उन्हें तोड़ने लग गया। जब गाइस मैं कोबल स्टोन तोड़ रहा था, थोड़े से मुझे कोल भी दिख गए। उसके बाद मैंने सारे के सारे कोल को तोड़ने लग गया। और गाइस फिर मैं ऊपर आ गया, और ऊपर आके मैंने सबसे पहले अपने लिए पिकैक्स बनाई, और पिकैक्स बनाने के बाद गाइस मैंने अपने लिए एक एक्स बनाई। गाइस में थोड़े से कोल और दिख चुके थे। उसके बाद गाइस मैंने सारे के सारे उन कोल को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने सारे के सारे कोल तोड़ लिए, तो मेरे भाई को थोड़े से आयरन मिल चुके थे, इसलिए मेरे भाई ने मेरे लिए एक आयरन सोर्ड बना दी थी। और मेरे भाई को कुछ आयरन मिल चुके थे, इसलिए सबसे पहले तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल नीचे रख के उसे लगा दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक फर्नेस बनाया, और सारे के सारे आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिए। और गाइस जब सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, मैंने अपने लिए एक बकेट बनाई। उसके बाद गाइस मैंने अपने लिए 2 शील्ड बनाई, और 1 शील्ड अपने भाई को दे दी। तो गाइस मैं आगे जा रहा था, एक स्केलेटन ने मेरे पिछवाड़े पे रैपट मारा, तो गाइस मुझे इतनी तेज गुस्सा आया। उसके बाद गाइस मैंने और मेरे भाई ने उसकी गुद्दी चटका के उसके हाथ में ही रख दी। स्केलेटन को मारने के बाद गाइस मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम एक्सप्लोर करने चले गए। वहीं चलने के बाद गाइस मुझे एक विलेज मिल गया, और विलेज में जाते ही गाइस मैं सबसे पहले तो सो गया। और गाइस सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने सारे के सारे विलेज के चेस्ट लूटे। विलेज के चेस्ट लूटने के बाद गाइस मैंने आयरन गोलम को मारा, और आयरन गोलम ने मुझे 3 आयरन इंगोट दिए थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाल के एक सोर्ड बनाई, और अपने भाई को दे दी। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक शवल बनाई। गाइस जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें एक बहुत बड़ी रिवीन दिख चुकी थी, तो गाइस हम उसके अंदर आ चुके थे, और मुझे वहां पे थोड़े से आयरन दिख चुके थे, इसलिए मैंने वहां के सारे सारे आयरन तोड़ लिए थे। सारा का सारा आयरन तोड़ने के बाद गाइस मैंने अपना सारा का सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद गाइस मैंने एक और फर्नेस बना के सारा का सारा खाना अपना पकाने के लिए रख दिया। और जब हमारा सारा खाना पक गया था, उसके बाद हम अंदर आ गए थे। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे मॉब और बहुत सारे स्केलेटन क्रीपर बहुत सारे थे, हमने गुद्दी चटका के इनके हाथ में ही रख दी थी। फिर जब गाइस मैं स्केलेटन को मार रहा था, तो मेरे पीछे ये जाकर पड़ गया था, और इसने मेरी 3.5 HP छोड़ी थी। और फिर गाइस मेरा भाई भाग गया है, उसने इसको एक शॉट तो मारा, पर उसकी भी HP कम थी, इसलिए वो भी भाग गया। पर एक कांड तो छूट गया था, पर गाइस एक और हादसा होने वाला था। मेरे पीछे 2 ज़ॉम्बी पड़ गए, और गाइस बस आप मेरी शील्ड की HP को देखना, बस क्या बहुत तेज जा रही थी। मैं तो बस डर ही गया था कि मैं मरे जाऊंगा, पर मेरे भाई ने उसको तो मार दिया बेबी ज़ॉम्बी को, पर मेरी शील्ड यहाँ पे टूट गई थी, तो मैं पूरी तेज भागा। और गाइस ये ज़ॉम्बी कम थे, जो मेरे पीछे एक स्पाइडर ही पड़ गई थी गाइस। और उसके बाद मैं थोड़ा दूर भागा, मैंने फॉक्सचिप खाने की कोशिश करी, पर मैं फॉक्सचिप खा ही नहीं पाया। उसके बाद गाइस मैं आगे भागा, भाई मैं तो डर ही गया था बस कि मैं मर जाऊंगा। पर मैंने सबसे पहले दिन 4-5 ब्लॉक को पटड़ा, फिर मैंने चैन की सांस लेकर फॉक्सचिप खाया। फिर भी मेरे पीछे एक स्पाइडर पड़ रखी थी, और मेरे भाई ने स्पाइडर को मार दिया था गाइस। उसके बाद गाइस एक और हादसा होने वाला था, जब मैं कोबलस्टोन निकाल के ऊपर ब्लॉक चढ़ा रहा था, मैं तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर स्केलेटन ने मेरी खोपड़ी फोड़ दी। उसके बाद 2 हार्ट बचे, फिर मैंने भाई को जल्दी बुलाया, उसने उसको मारा, और फिर मैंने चैन की सांस लेके 1-2 पोक चॉप खाए। और फिर मैंने अपना फर्नेस लगा के सारा सारा आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गाइस मुझे शील्ड की जरूरत थी। बिना शील्ड के यहाँ पे लड़ नहीं सकते, ना हम कुछ आयरन माइन कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने लिए एक शील्ड बनाई, और फिर और आयरन स्मेल्ट हो रहे थे, मैंने अपने भाई के लिए भी एक शील्ड बना ली। और फिर हम दोनों ने वहाँ पे बहुत सारे आयरन तोड़े, और बहुत सारे मॉब से भी लड़े, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे मॉब थे, पर यहाँ पे गाइस बहुत सारा आयरन भी था, इसलिए हमने यहाँ से हम गए नहीं, हमने बहुत सारे आयरन तोड़े। और गाइस ये रिवीन और नीचे जा रही थी, तो हम नीचे और जाने लग गए। और गाइस हम नीचे आते ही सबसे पहले तो हमने बहुत सारे टॉर्च लगाई, उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारा, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी और बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉब थे। और फिर मैंने थोड़े से वहाँ पे आयरन तोड़े, और फिर गाइस मुझे वहाँ पे बहुत सारे लैपिस लजूली और बहुत सारे आयरन मिले।
और गाइस यहाँ पे मेरे भाई की बस 2 हार्ट बचे थे, इसलिए वो यहाँ पे शील लगा के खाना खाने लग गया था और फिर मुझे भी इन्होंने एक शॉट मार दिया था। तो गाइस मैं भी ब्रेड खाने लग गया और फिर मैं थोड़ा दूर भागा क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो चुके थे। और गाइस हमने यहाँ पे इतनी सारी टॉर्च लगा दी थी फिर भी यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जा रहे थे। उसके बाद मैंने चांस की सांस लेके एक ब्रेड खाया और मेरा भाई भी यहाँ पे दूर दूर भाग रहा था क्योंकि गाइस उसके पीछे बहुत सारे स्केलेटन पीछे पड़ गए थे। उसके बाद गाइस मैंने फिर अपनी खोपड़ी उड़ा दी थी और गाइस यहाँ पे स्केलेटन की कमी नहीं थी भाई सोचते तुम। फिर मैंने स्केलेटन को इतना मारा लोग और बस मेरे बहुत कम हार्ट थे यार, मेरा बस मरते मरते बच गया था। और सारे मॉब को मारने के बाद सबसे पहले तो गाइस मैंने अपने सारे के सारे फर्नेस लगाए और अपना सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिए। और फिर मेरे भाई ने अपने सारे के सारे आयरन दे दिए थे और फिर मैंने उन्हें भी स्मेल्ट करने के लिए रख दिए। और सबसे पहले मैंने अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बनाई और मैंने उसे पहन लिया और फिर लास्ट में मैंने अपने लिए एक हेलमेट बना लिया। और अब हमारे पास सारा का सारा मामला पानी बिल्कुल सेट हो चुका है। मैंने अपने लिए एक एक्स भी बना लिया है और मेरे पास एक आर्मर भी है और मैं अपना सारा मामला पानी सेट करके ऊपर जाने वाला हूँ क्योंकि गाइस मेरा खाना भी खत्म होने वाला है, बस मेरे पे 9 ब्रेड बची है। अब बस जल्दी जल्दी सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो जाए फिर हम जल्दी जल्दी ऊपर जाए क्योंकि गाइस खाना भी खत्म हो गया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारा आयरन आर्मी बन चुका, बस अगली बार बस हमें डायमंड ढूंढना जाना, वो तो गाइस बहुत दिन की बात है। सबसे पहले हमें एक विलेज ढूंढना है। अब मैं जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए भी एक एक्स बनाना क्योंकि गाइस उस पे भी एक्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी फर्नेस तोड़ता हूँ, फिर ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ता हूँ और किसी ऊपर गिरता हूँ गाइस और इसमें भी सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, इसे भी तोड़ते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम क्या मिलता है आगे। और थोड़ा आगे चलते ही मुझे थोड़े से और कोल मिल चुके थे, मैं उन्हें भी तोड़ने लग गया था क्योंकि गाइस कोल अच्छी चीज है। और उसके बाद मैंने गाइस यहाँ पे थोड़े और स्केलेटन को मारने की कोशिश छटकाई और यहाँ जो स्केलेटन बहुत ज्यादा मिले, दिमाग खराब कर दिया स्केलेटन ने। फिर हम और टॉर्च वगैरह लगा के गाइस क्योंकि बहुत अंधेरा है, दिखता भी कुछ है नहीं, तो गाइस हम आगे चले गए। और यार स्केलेटन ने फिर परेशान कर दिया यार गाइस, इसे भाई मेरा भाई मारेगा इसलिए मैं यहाँ पे ये थोड़े से और आयरन तोड़ता हूँ। जितने भी गाइस मुझे यहाँ पे आयरन वगैरह मिलते हैं मैं सब तोड़ तोड़ के जाता हूँ गाइस, क्योंकि फिर अगर मिला तो बढ़िया, ना मिले तो भी बढ़िया गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस, अच्छी बात है मिले तो। हम वहाँ जब ऊपर जाएंगे जब स्मेल्ट कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा और आयरन तोड़ लेता हूँ गाइस। आयरन तो होनी अच्छी बात होती है गाइस, इससे बहुत चीज़ें बनती हैं। हम अगर और आयरन मिला तो मज़े ही आ जाएगा, अगर नहीं मिला तो गाइस फिर हम ऊपर ही चलेंगे क्योंकि गाइस अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल नहीं मिला। और जब गाइस मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे दिखी एक माइनशाफ्ट। भाई साहब मैं सोच रहा था माइनशाफ्ट में चलो, पर मैंने एक बार सोची भाई मेरे पे तो खाना ही नहीं है, अगर वहाँ पे तो बहुत सारे मॉब वगैरह हैं, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा गाइस तो भाई वहाँ पे मैं पक्का मर जाऊँगा और मरी जाऊँगा भैंस की यार, हार्ड कोर वैसे भी हो। तो गाइस हमने सोचा हम जाने ही नहीं यार। और गाइस हम दोनों अब ऊपर जाने लग गए थे क्योंकि गाइस हमारे पे इनफ आयरन हो चुके थे, हमने आयरन का आर्मर भी बना लिया था और आयरन के टूल्स भी बना लिए थे। और भाई हम ऊपर आ चुके हैं और भाई केव से निकल गए थे, इतना अच्छा लग रहा ना क्या ही बताऊँ। और गाइस अब हम जा रहे थे एक्सप्लोर करने कि हमें अब कुछ अच्छी मिल जाए, हम सोच रहे थे गाइस हमें अगर विलेज मिल गया तो मजे ही मजे मिल जाए। और गाइस यहाँ पे हम मेरे और मेरे भाई का सारा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पे हम फिश को मार रहे थे क्योंकि गाइस हम यहाँ पे ना काव मिल रही थी ना शीप मिल रही थी, इसलिए हमने सारी की सारी फिश मार। और फिर मैं और मेरा भाई सारी की सारी फिश पकाने लग गए क्योंकि गाइस हमारा बिल्कुल खाना खत्म हो चुका था। और फिर हम दोनों ने चैन की सांस लेके सारे की सारी मछली खाई। और थोड़ा दूर चलते ही गाइस मुझे एक शीप दिख चुकी थी तो मैं गाइस मैंने उसे मारा और एक काव भी दिख चुकी थी मैंने उसे भी मारा। और थोड़ा चलने के बाद गाइस मुझे थोड़ी सी और काव मिल चुकी थी तो फिर मैंने उन्हें मारा क्योंकि गाइस हमारा दूर खाना खत्म हो चुका था। और फिर हम उन्हें मारने लग गए और फिर मैं थोड़ा थोड़ा लीव तोड़ के आगे जाने लगा।